एवरी वन आई एम रिचा वेलकम बैक टू परचम ऑन योर वेरी स्पेशल डिमांड आज का सेशन रखा गया है स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ वेस्ट बेंगाल बिकॉज टूडे वील बी लर्निंग बी लर्निंग विद हेल्प ऑफ निमोनिक्स द मैप ऑफ वेस्ट बेंगाल ये पूरा सेशन देखने के बाद यू विल बी एबल टू फिल दिस एंटायर मैप विथ मी टूडे बाई द एंड ऑफ दिस वीडियो सो so, uh, कैसे हम याद करेंगे हम हमारे निमोनिक टेक्निक्स के थ्रू याद करेंगे एंड आई अंडरस्टैंड के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं हु आर नॉट वेल वर्स्ड विथ हिंदी इन वेस्ट बंगाल सो आई ट्राई एंड कीप द सेशन इन बोथ द लैंग्वेजेस दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट आप सभी समझ सकें दैट यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड ओके सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं वेस्ट बंगाल का मैप और एंड में लेंगे आपका एक क्विक रिकॉल टेस्ट सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड सो दैट यू आर एबल टू डू वंडर्स एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड सो यू चेक ऑन योर ओन कि निमोनिक टेक्निक से हाथों हाथ विद इन बंगाल मैप याद हो जाता है या नहीं और यहीं पे हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि वाई डू वी नीड टू लर्न द मैप सो वी नीड टू लर्न द मैप ताकि जब भी आप अपने स्टेट से जुड़ी हुई कोई भी बात याद करेंगे सो उसकाशन इन द माइंड और स्टोरिंग इन द माइंड विल बिकम फास्टर जो भी चीज आप पढ़ते हैं अगर ऑलरेडी दिमाग में एक मेंटल इमेज है तो उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना बहुत सिंपल हो जाता है मैप्स हेल्प यू इन दैट एंड दैट इज वाई यू स्टडी एट लिस्ट प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस कॉम्पिटिव एग्जामिनेशन सो आई होप यू आर क्लियर वाई यू नीड टू लर्न द मैप इट विल नॉट बी आज इन द एग्जामिनेशन बट इट विल हेल्प यू टू लर्न ऑल दोज थिंग्स विच विल्ड इन द एग्जामिनेशन सो नाउ लेट इस स्टार्ट लेंग द स्टेट बॉर्डर ऑफ वेस्ट बेंगाल कितने स्टेट के साथ में वेस्ट बेंगाल बॉर्डर शेयर करता है हाउ मेनी स्टेट असम ओके दे सिक्किम बिहार झारखंड एंड ओडिशा सो दीज आर द फाइव स्टेट्स विथ विच वेस्ट बेंगाल शेयर द स्टेट बाउंड्री ओके वापिस से देख लीजिए असम सिक्किम बिहार झारखंड एंड ओडिशा नाउ मूविंग ओवर टू

इतने एरिया दिख रहा है दिस इज द फर्स्ट डिवीजन विच इज नोन एज जलपाईगुड़ी जलपाईगुड़ी ओके देन दिस एंटायर डिविजन दिस इज नोन एज मालदा डिविजन मालदा वेरी गुड देन मूविंग ओवर टू दिस येलोइश एरिया दैट यू कुछ सी सो दिस इज दिस इज बर्दमान बर्दमान डिविजन देन द ग्रीन एरिया दिस इज मिदनीपुर Medinipur division and this blue area that you can see, this is presidency division. Okay, so this was Jalpaiguri division, in it there are five districts. Then you have the Malda division with four districts. Then you have the Bardaman division with four districts. Then you have Medinipur division, five districts. एंड प्रेसिडेंसी डिविजन अगेन विद फाइव डिवीजन टू दिक्कत हम मैप याद करने जाते हैं मैंने वी स्टार्ट विथ लर्निंग अ मैप द फर्स्ट स्टेप शुड ऑलवेज बी टू रीड इट थरली नॉट जस्ट मैप आप कुछ भी याद कर रहे हो तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि आप उस कंटेंट को ढंग से ऑब्जर्व करके रीड करें

कालिम्पोंग इजो रिलेटिवलीस्ट्रिक्ट्रेम्ड फ्रॉम दार्जिलिंग सो दीज आर दाइव डिस्ट्रिक्ट असम और सिक्किम से जुड़ी हुई है बाउंड्री विथ असम अलीपुर द्वार कूच बिहार देन विथ सिक्किम दार्जिलिंग एंड कालिम्पोंग एंड जलपाइगुड़ ओके सो दीज फाइव डिस्ट्रिक्ट क्लियर मूविंग डाउन मालदा डिविजन की डिस्ट्रिक्ट चलते हैं सो दिस वन इज नॉर्थ दिनाजपुर नॉर्थ दिनाजपुर और इसी के साउथ में साउथ दिनाजपुर फर्दर साउथ वी हैव मालदा मालदा और उसके नीचे आ जाएगा मुर्शिदाबाद विच इज देर मुर्शिदाबाद ग्रेट सो दिस मालदा एंड दिस इज मुर्शिदाबाद सो दिस विद दिस वी आर डन विद डिविजन ऑफ मालदा ना फर्दर डाउन दिस इज बीरभूम बीरभूम देन पश्चिम बर्धमान पूर्व बर्धमान Now, the spelling could vary. At some places, it is also, uh, mm, I think, uh, Vardhaman is also written. Yeah. And some places, uh, Bardhaman, M-U-N, is also written. So, basically, it is Bardhaman. So, Paschim Bardhaman, Purub Bardhaman, and Hooghly. And Hooghly. So, these make up the, these make up the, which division? Bardhaman division. Okay. Further south, is side, me the southeast side. So, you have Bankura, Purulia. झारग्राम पश्चिम मिदनापुर, ईस्ट मिदनापुर, ओके सो पश्चिम मिदनापुर ईस्ट मिदनापुर, मिदनापुर इट इज़ बेसिकली राइट सो देन मूविंग फॉर द ईस्ट साइड सो यू हैव नदिया नॉर्थ ट्वेंटी फोर परगनाज हावड़ा कोलकाता कोलकाता एंड साउथ 24 परगनास, सो दीज आर द 23 डिस्ट्रिक्ट्स, वी हैव रेड देम वंस सो दैट वी आर अकस्टम्ड विद द नेम्स हमने एक बार पढ़ लिया है इनको ताकि हम इनसे थोड़ा फमिलियर हो जाए अब यहां पर आपके लिए क्वेश्चन आता है चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू टेल मी विच इज द लार्जेस्ट एंड विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बेंगाल वेरी इजी क्वेश्चन जस्ट टू सी वेदर यू आर पेइंग अटेंशन ऑन ऑर चलो जल्दी से कॉमेंट एंड टेल मी विच इज द लार्जेस्ट एंड विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बेंगाल हरिया कॉमेंट So, we are done with this, and now what we are required to do is let's memorize, let's memorize, sit, relax, open your creative brains, try and visualize whatever I am telling you. You storytelling to visualize it की while you sit in the movie theater. What they do is they are selling you a story and you are buying it. Similarly, I will be selling you a story, just buy it without paying any cost. Okay? चलो. So, this is the blank map that we have taken, and we will be learning on this only. सो so स्टार्ट करेंगे हम असम साइड से एंड वील बी मूविंग टू सुंदरबन साइड ठीक है हमें सुंदरबन तक जाना है सो इमेजिन यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम आसाम एंड यू नीड टू गो टू सुंदरबन सो वॉट ऑल प्लेसेज यू आर गोइंग वो सारा हमारा स्टोरी होने वाला है सो so यहाँ आसाम पड़ता है राइट दिस इज असम दिस इज़ सिक्किम ओके दिस साइड इज़ बिहार देन यू हैव झारखंड एंड देन यू हैव ओडिशा राइट चलिए सो हम असम से स्टार्ट हो रहे हैं अब असम से या नॉर्थ ईस्ट को पूरे इंडिया से जोड़ने का काम कौन सा एरिया करता है यही वाला एरिया करता है इसको चिकन नेक भी कहा जाता है रिमेंबर सो सिलीगुड़ी पर्टिकुलरली इज एन इम्पॉर्टेंट लोकेशन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज गेट वे टू द नॉर्थ ईस्ट राइट गेट वे टू द नॉर्थ ईस्ट एंड सिलीगुड़ी कहाँ पड़ता है दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी का uh, के एरिया में पड़ता है सो so, अब हम जब असम से आ रहे हैं तो एक तरह से हमारे लिए गेट ओपन हो रहे हैं फॉर द रेस्ट ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्ट के गेट्स ओपन हो रहे हैं तो द्वार एक वर्ड हम कौन सा याद रखेंगे द्वार द्वार इज वॉट द्वार मींस गेट गेट एंड सो द्वार से विच विच डिस्ट्रिक्ट यू कैन रिमेंबर अलीपुर द्वार अलीपुर द्वार एंड देन डू यू नो वर्ड कूच कूच करना जैसे सेना कूच करती है जब सेना लड़ने जाती है वो कूच करती है सो so, आप असम से आपको द्वार खुला मिला और आपने कूच किया सो so, अलीपुर द्वार एंड कूच बिहार ठीक है ये दो डिस्ट्रिक्ट याद हो गए आप असम से आए आपको द्वार खुला मिला और आपने वहां से कूच करना शुरू किया यानी यू स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम देयर ओके okay, सो so यहां से हम दो डिस्ट्रिक्ट याद करते हैं अलीपुर द्वार एंड कूच बिहार और राइट देन मूविंग फर्दर राइट मूविंग फर्दर मूविंग फर्दर अब देखिए आपने यहाँ से द्वार से कूच करना शुरू किया आप इस जगह पे पहुंचे और नाउ आर फीलिंग थर्स्टी अब आपको थोड़ी प्यास लग रही है बिकॉज इतनी देर से आप चल के आ रहे हो यस yes, इतनी देर से आप चल के आ रहे हो फीलिंग थर्स्टी तो आप बोलते हो चलो अब जल पियेंगे जल इज वॉटर सो जल पियेंगे सो दिस इज जल पाए गुरी नाउ रिमेंबर वन थिंग इफ यू नो एनी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पहले से द लोकेशन पहले से डू नॉट फिट इन यू नो ट्राई टू ग्रास्प द स्टोरी फॉर इट उसको सीधे सीधे याद रखो अगर आपको जलपाईगुरी पहले से पता है दैट्स ओके सो जस्ट फिक्स इन दैड दिस इज जलपाईगुरी जलपाईगुरी के राइट साइड में अलीपुर द्वार है और नीचे कुच बिहार आ जाता है ठीक है डू नॉट गो फॉर जल इफ यू नो जल पाए गुरी स्ट्रेट ऑफ फाइन ना जैसे आपने जल पिया आपको लगा जल से काम नहीं चल रहा लेट मी है काली भी नहीं होती है काली चाय नहीं है इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल ब्राउनिश यू नो कलर टिंच की चाय होती है सो so, आपने क्या बोला लेट मी हैव दार्जीलिंग टी दार्जीलिंग टी जल से काम नहीं चला दार्जीलिंग टी पीते हैं बिकॉज वो काली नहीं होती वो क्या नहीं होती काली नहीं होती इट इज अ वेरी रिफ्रेशिंग सॉर्ट ऑफ अ टी इट इज नॉट दैट ब्लैक डार्क टी राइट सो काली नहीं होती दार्जिलिंग चाय पीते हैं तो दार्जिलिंग हो गया काली नहीं होती तो कालिमपो हो गया जल्दी से इसका एक क्विक देख लेते हैं कालिम्पांगट यू सेड के द्वार आपको खुला मिला द्वार सो so, अलीपुर द्वार हो गया और आपने कूच किया तो कूच बिहार हो गया ओके okay? और यहां पे असम था आप असम से चलना स्टार्ट कर रहे हो देन आप बीच में आए तो आपको जल की जरूरत पड़ी तो जल जलपाईगुड़ी हो गया फिर आपने बोला चलो आज तो दार्जिलिंग टी पीते हैं जल से काम नहीं चलेगा तो आपने दार्जिलिंग टी पी क्योंकि ये काली नहीं होती तो कालिम्पॉ यहां तक इज एवरीथिंग क्लियर नाउ मूविंग फर्दर डाउन मूविंग फर्दर डाउन और राइट सो अब आपका हम पूरा एक डे डिस्कस कर रहे हैं दैट असम से सुंदरबंस तक जाना है तो पूरे दिन में वॉट ऑल एक्टिविटीज यू आर डूइंग सो योर मॉर्निंग एंड्स हियर ओके नाउ योर दिन स्टार्ट्स आज ही के दिन आप नीचे भी ट्रेवल करोगे आप आप रेस्ट नहीं कर रहे हो आपकी मॉर्निंग टी हो गई नाउ आज ही के दिन में आप नीचे जाओगे सो so, दिन आज पर दिनाजपुर वॉट इज इट दिनाजपुर सो ये भी दिनाजपुर है दिस इज ऑल्सो दिनाजपुर दिस इज नॉर्थ दिनाजपुर दिस इज साउथ दिनाजपुर ओके okay? सो so, आज ही के दिन यू विल बी ट्रैवलिंग आज इज टुडे दिन इज डे सो टुडे आज ही के दिन आप नीचे ट्रैवल करोगे अब देखो जो भी निमोनिक्स है ना वो हिंदी में ही बनेंगे बिकॉज द वर्ड्स आर सच दैट यू नो हिंदी निमोनिक्स आर इजियर टू पिक सो दैट इज एम गिविंग इट इन हिंदी सो so, आज ही के दिन आप पूरा नीचे ट्रैवल करोगे सो so, दिनाजपुर दिनाजपुर नॉर्थ एंड साउथ ओके okay? अब पूरा दिन हो गया आप ट्रैवल कर रहे हो दिन में आपको भूख लगेगी यूल फील हंग्री सो आप क्या बोलोगे लेट मी हैव लंच तो क्या माल बांधा है मम्मी ने क्या माल दिया है घर वालों ने लेटस दैट माल इज वॉट जो भी सामान दिया है so, this will be माल से माल दा. माल दा. So, दिनाजपुर नौ, दिनाजपुर दिनाजपुर देन मालदा ओके एंड जैसे आप अच्छा खाना खा रहे हो यू एट दैट माल आप थके हुए थे आपने अच्छा फूड खा लिया अब आप क्या होगा आपके मूर्छा मूर्छा समझते हैं मूर्छा समझते हैं या uh, Uh, मूर्छित होना दैट इज बेसिकली यू लूज कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियस होना ओके सो मूर्छित इज वन वर्ड आई नो विज आर वेरी गुड इन टिपिकल हिंदी हाँ मूर्छित होना मूर्छित सो so, मूर्छा आना मूर्छित से मुर्शिदाबाद हो सकता है अगर आपको मूर्छित नहीं पता तो मुर्शीद पता है मुरशीद मुर्शिद होना किसी का मुर्शीद होना यानी कि यू यू बिकम अ फैन ऑफ समबडी आर फॉलोइंग समबडी तो वो भी आप ले सकते हो कि इतना अच्छा खाना था इतना अच्छा माल दिया था आपको खाने के लिए कि आप मुर्शीद हो गए सामने वाले के बनाने वाले के सो so आप इससे याद रखेंगे मुर्शीदाबाद मूर्छित से भी याद रखते हो कि थके हुए थे पूरा दिन आज आपने ट्रैवल किया यू हैड योर माल और आप मूर्छित हो गए दैट इज यू स्लेप्ट आप सो गए इतने थक गए थे तो से मुर्शिदाबाद सो so, दिनाजपुर नॉर्थ दिनाजपुर साउथ दिनाजपुर मालदा से मुर्शिदाबाद वेरी गुड तक भी हो गया, Moving further down, देखो अभी तक हमने क्या कर लिया वी कवर्ड दिस जल्दी से क्विक रिविजन फटाफट से सो so, दिस अलीपुर द्वार कूचबिहार दिस जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग एंड कालिम्पोंग दे north dinajpur south dinajpur malda murshidabad this much we've covered now we'll be covering this part this part okay because this is another division which is known as which is known as Vardaman. very good so now let us zoom it so that we can go ahead come come here yeah. right so this was थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं अब लिटिल पोर्शन इज गेटिंग कार्टर सो दिस इज इज मुर्शिदाबाद नाउ वी नाउ आप मूर्छित हो गए थे यू हैड स्लेप्ट अब आप जगोगे yes? so जब आप जगोगे सो so अब आप थके हुए हो लाइक अ like वीर वीर इज वीर इज अ स्ट्रॉग पर्सन राइट करेजियस पर्सन सो वीर की तरह आप वापस से चलना शुरू करोगे वीर वर्धमान वर्धमान इज वॉट वर्धमान मीन्स ग्रोथ दैट दैट यू आर मूविंग यू आर ग्रोइंग दैट इज द मीनिंग ऑफ वर्धमान और like call, वर्धमान लाइक यू कॉल वर्धमान लाइक यू कॉल इन बेंगोली सो आई बी कीपिंग इट वेरी नॉर्मल प्रोनौंसिएशन लाइक आई डू सो लाइक अ वीर यू

एंड यटरफ्लाई शेप थिंग दैट यू कैन सी दिस इज हुगली विच डिस्ट्रिक्ट इज इट हुगली बटरफ्लाई ऑफ अ शेप नो सो दिस इज हुगली सो वर्धमान की तरह मूव करते करते आप कहां तक पहुंच गए यू व्रीज हुगली रिवर ओके सो यहां से वापिस एक बार देखते हैं आप मूर्छित थे यू आर स्लीपिंग लाइक लाइक अनकॉन्शियस पर्सन आप वीर की तरह भूमि पे खड़े हुए बर्धमान की तरह आगे बढ़े और हुगली तक पहुंच गए इट सो so, मुर्शिदाबाद के पास ना ये जो आपको एक 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 लंबा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज पश्चिम बर्धमान दिस इज पूर्व वर्धमान एंड नीचे दिस बटरफ्लाई सॉर्ट ऑफ अ शेप लाइक इट कैन बी अ बटरफ्लाई या इट कैन बी अ बटरफ्लाई सो लाइक अ बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर दिस इज हुगली सो यू रीच हु दिस मच इज क्लियर और राइट सो यहां पर देख लेते हैं जल्दी से वी कवर्ड दिस वॉज बीरभूम पश्चिम बर्धमान पूर्व वर्धमान हुगली नाउ विल बी गोइंग टू दिस साइड ओके विल बी गोइंग टू दिस साइड चलो इसको जूम कर लेते हैं चलिए सो दिस वॉज हुगली

एवरी सिंगल पेनी पूरा खाली कर लिया बैंक में से आपने पूरा का पूरा कैश ले लिया सो पूरा से हो जाएगा पुरलिया वॉट इज इट पुरलिया पुरलिया ओके तो हुगली से यू वेंट टू द बैंक बैंक से आपने पूरा कैश ले लिया पुरलिया वापिस आते टाइम आप रस्ता भूल गए हो एंड यू वेंट य आप झाड़ ग्राम पहुंच गए झाड़ जार इज झाड़ी झाड़ी है ना जंगल सॉर्ट ऑफ अ प्लेस सो so आप कहाँ पहुंच जाते हो आप रास्ता भूल गए आपको वापस हुगली जाना था बट आप नीचे चले गए एंड दिस इज सो झाड़ से यू कैन रिमेंबर झाड़ी झाड़ी ओके श्रब्स सो यू केम टू दिस ग्राम से भी यू कैन रिमेंबर विलेज इज ग्राम सो so आप नीचे रास्ता भूल के एक झाड़ी झाड़ी वाले ग्राम में पहुंच जाते हो एंड देन आप फिर फर्दर रस्ते पे जाने के लिए आप यहाँ पहुंचते हो तब तक मिडनाइट हो चुकी होती है तो मिदनापुर के लिए आप मिडनाइट यूज कर सकते हो ओके मिदनापुर मिडनाइट सो बाय मिडनाइट आप मिदनापुर पहुंचते हो और यहाँ कोई आपको बताते है, अच्छा आपको यहाँ जाना है हुगली आप हुगली से आए थे ना वापस हुगली पहुंच जाओ सो दिस इज पश्चिम मिदनापुर दिस इज ईस्ट मिदनापुर राइट सो पश्चिम मिदनापुर ईस्ट मिदनापुर और फिर आप वापस घूम करके हुगली पहुंचते हो सो so, ये पूरा रास्ता आपको याद रहेगा हुगली से यू वेंट टू द बैंक वो आपने पूरा ले लिया वहां से कैश फिर आप झाड़ी वाले ग्राम में घुम जाते हो देन मिडनाइट हो जाती है और फिर कोई आपको हुगली तक पहुंचाता है सो so, बैंक से हो जाएगा मांकुरा पुरलिया हो जाएगा पूरा ले लिया से देन ग्राम झाड़ग्राम हो गया मिदनापुर पश्चिम मिदनापुर एंड ईस्ट मिदनापुर ऑल राइट right, यहां तक की स्टोरी हो गई चलिए सो वी हैव इवन कवर्ड दिस एंटायर पोर्शन ओके दिस वॉज हुगली दिस बांकुरा दिस पुरलिया दिस जल्दी से बताइए झाड़ ग्राम ओके एंड दिस इज मिदनापुर मिदनापुर पश्चिम एंड ईस्ट नाउ वट वी आर लेफ्ट विद पोर्शन वी आर लेफ्ट विद पोर्शन सो लेट इज जूम एट अगैन जूम कर लेते हैं अभी क्लियर हो जाएगा ठीक है हुगली से वापस कहानी शुरू करेंगे हम थे हुगली पे और हमको जाना है सुंदरबन वाले एरिया तक है ना तो अभी हमने ये सारा साइड तो ट्रेवल कर लिया ये कौन सा था वॉट वॉज दिस बर्धमान वेरी गुड सो दिस वॉज बर्धमान राइट right? और ये जो लंबा सा इसमें आगे नोज जैसा है दिस वॉज ऑल्सो बर्धमान दिस वॉज पश्चिम बर्धमान दिस वॉज पूर्व बर्धमान एंड दिस वॉज हुगली नॉट इज हुगली हुगली इज अ नदी इज अ नदी नदिया नदिया दिवर सो हुगली इज अ नदिया सो ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहा है दिस इज नदिया ओके सो हुगली के पास में इट इज नदिया सो रिमेंबर दिस दिस डिस्ट्रिक्ट इज नदिया हुगली को क्रॉस करना है आपको यू नीड ए ब्रिज सो द नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट कम्स हावड़ा बिलो हुगली दिस इज हावड़ा वाई बिकॉज यू नीड अ ब्रिज टू क्रॉस हुगली सो आप हावड़ा ब्रिज से क्रॉस करके कहाँ पहुंचते हैं कोलकाता वेर डू यू रीच दिस प्लेस इज कोलकाता यू रीच कोलकाता ग्रेट ओके सो दिस द कैपिटल डिस्ट्रिक्ट सिटी एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो सो हुगली से हावड़ा ब्रिज क्रॉस करते हुए यू रीच कोलकाता एंड हुगली इज अ नदिया सो दिस साइड इज नदिया ना ओनली टू डिस्ट्रिक्ट आर रिमेनिंग वन इज दिस another is this and these are what very good so this is north 24 pargana and this is south 24 parganas and with this we are done with all the districts and now is the time for a quick revision before the recall yes it's time for a quick revision jaldi se revision हमने पूरा ऑब्जर्व करकेर सेल्फ वेड एवरी तो जल्दी से आसाम से शुरू करते हैं सो so, हमें द्वार खुला मिला अलीपुर द्वार हमने कूच किया सो बिहार, जल की जरूरत पड़ी प्यास लगी बिकॉजुरी we so दार्जिलिंग टी वाई ओन डी जल सो so, दार्जिलिंग टी वाई बिकॉज इट इज नॉट कालीट इज वेरी रिफ्रेशिंग लिटल ब्राउन स्टॉर्ड टी सो कालिमपांग आज के दिन ही हम पूरा नीचे तक ट्रेवल करेंगे सो so, दिनाजपुर दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ दिनाजपुर देन हो गया यू यू वर हंग्री सो सो थॉट ऑफ ईटिंग माल दिस इज मालदा एंड जैसे ही यू हैड माल यू वर ऑलरेडी वेरी टायर्ड यू हैड योर फूड एंड देन यू फेल्ट लाइक मूर्छित सो मूर्छित से मुर्शिदाबाद सो दिस इज मुर्शिदाबाद राइट देन येपन देन आफ्टर टेकिंग अप मूर्थ वाली देन यू गॉड अप लाइक अ वीर है ना वीर भूमि पे खड़े हो गए एंड यू वॉक लाइक अ वर्धमान एंड रीच होगली सो so, बीरभूम पश्चिम वर्धमान पूर्व वर्धमान हुगली हुगली पहुँच के यू रियलाइज योर रनिंग आउट ऑफ कैश सो यू थॉट ऑफ गोइंग टू द बैंक सो आप बैंक गए बांकुरा और वहां से पूरा कैश ले लिया तो पुर लिया फिर आप रास्ता भूल के झाड़ग्राम पहुंच गए वहां से मिड नाइट हो गई आपको रास्ता ढूंढते ढूंढते तो पश्चिम मिदनापुर एंड ईस्ट मिदनापुर एंड देन सम्बड़ी गाइडेड यू बैक टू हुगली हुगली इज अ रिवर इज इट इज़ अ नदिया सो दिस इज द डिस्ट्रिक्ट नदिया एंड हुगली क्रॉस करने के लिए यू टुक द ब्रिज द हावड़ा ब्रिज एंड यू रीच्ड कोलकाता ओके एंड देन देर आर ओनली टू डिस्ट्रिक्ट्स रिमेनिंग दिस वन द नॉर्थ ट्वेंटी फोर परगनाज एंड द साउथ ट्वेंटी फोर परगनाज सो आई रियली होप थिंग्स आर क्वाइट क्लियर सो रेडी फॉर द री टेस्ट? आई रियली होप यू आर I'll be asking you randomly any district. I will not ask you in a sequence because that would help you. Okay? If I go story by story, that will be easier for you. So let me ask you random and just see whether you are able to answer it. मैं बीच-बीच में से पूछूंगी ताकि आपके लिए थोड़ा difficult हो और आप देखिए आप answer कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। चलिए, सबसे पहले simple वाला बताइए। ये, ये district कौनसा है? Shape पे ध्यान दीजिएगा, butterfly sort of a shape है। कौनसा district है? हुगली वेरी गुड हुगली ओके okay, ठीक है चलिए मुझे बताइए ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है विच डिस्ट्रिक्ट इज दिस दिस वॉज द मॉर्निंग रूटीन एंड दिन दिन आज नॉर्थ दिनाजपुर वेरी गुड ओके टेल मी विच डिस्ट्रिक्ट इज दिस विच इज दिस यहां पे आप मूर्छित हुए थे यस सो दिस वॉज मुर्शिदाबाद वेरी गुड ये कौन सा है बीरभूम वेरी गुड दिस इज बीरभूम और राइट टेलमी विच इज द छोटो सा डिस्ट्रिक्ट विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट स्मॉलेस्ट शुड यू हाँ दिस द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कोलकाता वेरी गुड ओके टेलमी विच इज दिस डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये ये दार्जिलिंग था दार्जिलिंग की टी क्यों पीनी थी क्योंकि वो काली नहीं होती है सो कालिम्पॉग ग्रेट अच्छा मुझे बताओ ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है इज इट बांकुरा इज इट पुरलिया इज इट झारग्राम पुरलिया वेरी गुड थोड़ा पुर लिया क्यों क्योंकि ये हमारा हुगली था हुगली से हम कहां आए थे हम आए थे बांकुरा बैंक गए थे हम और हमने पूरा ले लिया था और फिर हम रास्ता भटक के झाड़ग्राम तो यहां है ठीक है ओके चलो नीचे भी बता दो तो झाड़ग्राम है तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट मिड नाइट आप पहुंचे थे वेरी गुड सो so, पश्चिम मिदनापुर ईस्ट मिदनापुर चलो ये वाला बताओ ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये हुगली है है ना ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आ, नदिया वेरी गुड सो हुगली एक रिवर है ये नदिया हो गया ओके okay, लास्ट बता दीजिए लास्ट बता दीजिए कौन सा पूछे आपसे सो दैट इज डिफिकल्ट चलो ये बता दो ये कौन सा है आसाम से लगा हुआ अलीराजपुर है अली अ, है सॉरी अलीपुर द्वार है या कुछ बिहार है कुछ बिहार है शाबाश एंड फाइनली दी लास्ट वन दी लास्ट वन आपको सुंदर बन जाना था ना ठीक है तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है विच आंसर जल्दी से मुझे अपना स्कोर बताइएगा कि अप्रॉक्सिमेटली कितना परसेंटेज याद हो गया मैंने तो कुछ क्वेश्चन खुद से सारा टेस्ट लेकर के देखे एंड टेल मी अप्रॉक्सिमेटली वॉट परसेंटेज वर यू एबल टू अचीव इन वन गो ओके अभी हमने मल्टीपल रिविजन नहीं किया आपने सिर्फ एक बार पढ़ा और आंसर किया है आपने सो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन हाउ मच वर यू एबल टू स्कोर एंड दिस इज माय मैसेज फॉर यू टुडे स्टे क्रिएटिव एंड ग्रो जीनियस अपनी क्रिएटिविटी नहीं छोड़नी है Uh, keep uh, up that childish creativity in you because that will take you places. So, with this, I will see you in the future videos with geography, art and culture, current affairs, whatnot. So, stay tuned.